हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। अगर चैनल पे न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आजकल बहुत हो रही है कमेंट्स पर बात हो रही है आजकल बहुत, तो आज मैं भी कुछ कमेंट्स पर जवाब देना चाहती हूँ कुछ लोगों को। सबसे पहले तो गीता गुन्नू और मौली रावत इस वीडियो में इन्वॉल्व हैं क्योंकि उनसे रिलेटेड ही ये वीडियो है। स्पेशली कुसुम नेगी जिनका कहना है कि परी व्लॉग्स के तो भागरथी और विष्ट के बिना व्यूज ही नहीं आते हैं, इसलिए भागरथी के ऊपर वीडियो बनाती है, इतने विष्ट के ऊपर वीडियो बनाती है। तो मुझे पहले एक बात बताओ, मैंने कब बनाई भागरथी और बिष्ट के ऊपर वीडियो? कब से नहीं बनाई थी और मैंने कल बनाई है, उसके पहले मैंने कब से नहीं बनाई थी? और मेरी मर्जी, मेरा चैनल में किसी को ऊपर भी वीडियो बनाऊं, अगर तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि मैंने और भी लोगों के ऊपर वीडियो बनाई है, मैं हर किसी के जो भी मुझे लगता है मैं हर किसी को ऊपर वीडियो बनाती हूँ। क्या तुम्हें मेरे फ़ोन में 600 के करीबन वीडियो होंगी? क्या उन वीडियो में सिर्फ तुम्हें भागरथी और बिष्ट ही दिखे और वीडियो तुम्हें नहीं दिखाई देती हैं? या फिर जब और वीडियो आती है तो आंख बंद हो जाती है तुम्हारी? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हें इतनी कम सिर्फ उन दोनों की वीडियो दिखाई देती है, बाकी वीडियो नहीं दिखाई देती हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आंखों का चेकअप करा लें उसके बाद फिर वीडियो देख लें। मुझे जिसके ऊपर वीडियो बनानी होती है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ, आप कोई नहीं होते हो मुझे सलाह देने वाले कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ और किसके ऊपर वीडियो ना बनाऊँ, या किसके ऊपर वीडियो बनाने से व्यूज आते हैं किसके ऊपर वीडियो बनाने से व्यूज नहीं आते हैं। अगर मुझे व्यूज की इतनी होती तो मैं शायद अंकिता भंडारी के ऊपर भी वीडियो ना बनाती, ठीक है? क्योंकि मुझे पता था कि उनकी वीडियो पर व्यूज ना आएंगे। मैंने फिर भी उनके ऊपर दो वीडियो बनाई हैं इसलिए ही, क्योंकि जहाँ कि अंकिता को इंसाफ मिले, ठीक है? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने व्यूज आ रहे हैं कितने व्यूज नहीं आ रहे हैं। मैं एक बार वीडियो डालने के बाद दोबारा वीडियो बहुत कम देखती हूँ। आते सब यूट्यूब पर व्यूज के लिए ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ झाड़ू पोछा करने आ रहा है या फिर गाय भैंस चराने आ रहा है, आते सब व्यूज के लिए यूट्यूब पर। लेकिन हर जगह व्यूज की जरूरत नहीं होती है, कई जगह पर सच्चाई भी दिखानी पड़ती है व्यूज से हटकर भी। अगर व्यूज दिखाने अगर यही होता कि मुझे भागरथी और बिष्ट के ऊपर ही वीडियो बनानी है तभी मेरे व्यूज आएंगे, तो मैं उनके ऊपर वीडियो बनाना ना छोड़ती, कंटिन्यू उनके ऊपर वीडियो बनाती रहती, ठीक है? तो आप मुझे सलाह मत दो कि किसके ऊपर वीडियो बनानी है किसके ऊपर वीडियो नहीं बनानी है, या किसके ऊपर वीडियो बनाने से व्यूज आएंगे किसके ऊपर वीडियो बनाने से व्यूज नहीं आएंगे। अपनी सलाह अपने तक सीमित रखें, उसी में आपका फ़ायदा होगा। बहुत कमेंट्स होते थे, चार मैं भी कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ, तो बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनका रिप्लाई देना बाकी है। लेकिन और ये ऐसे लोग हैं कि मेरे चैनल पर आकर कमेंट नहीं करेंगे, औरों के चैनल पर जाकर कमेंट करेंगे, वो भी हमारे लिए। भाई अगर तुम्हें कमेंट करने हैं तो मेरे चैनल पर आकर करो मेरे लिए कमेंट, दूसरों के चैनल पर जाकर क्यों कमेंट करते हो मेरे लिए कि परी व्लॉग ना उस वो तो ऐसी औरत है, उसके वो रिएक्शन वीडियो बनाती है और जब इनके ऊपर वीडियो बनाती है जब ये व्यूज आते हैं, अकल की अंधी, तेरे अगर दिमाग की कमी आ रही है तो उसका इलाज हम थोड़ा ना करेंगे, डॉक्टर के पास जाके दिखा। अगर तो ये नहीं दिखाई दे रहा कि मैंने कितनी सारी वीडियो बनाई हुई हैं, हर किसी के ऊपर वीडियो बनाई हुई हैं। हाँ मैं मेरा चैनल रिएक्शन चैनल है तो मैं रिएक्शन दूसरों के ऊपर तो रिएक्शन वीडियो दूंगी या अपने ऊपर उठा के देने लग जाऊँ? अगर नहीं है तुम्हें अकल कि रिएक्शन चैनल क्या होता है रिएक्शन वीडियो क्या होती हैं तो मत देखो, और मैं तुम्हारे पास कोई इन्विटेशन कार्ड थोड़ा देने जाती हूँ कि तुम आकर मेरी वीडियो देखो मैं किसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ, या तुम्हें मैंने इन्विटेशन कार्ड देकर भेजा है कि आओ आओ देखो। देखती भी सारी वीडियो है तभी इन्हें सब कुछ पता रहता है कि मैं किसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ किसके ऊपर नहीं वीडियो बना रही हूँ, पता भी सब कुछ रहता है, देखती भी हैं सुनती भी हैं और फिर जाकर बुराइयाँ भी करती हैं। मोहल्ले की आंटियों वाले काम है इनके कि इधर की सुनी उधर की सुनी फिर जाकर किसी और के घर जाकर चुगली कर दी। तो ये आंटियों वाले काम छोड़ दो, और जिसका चैनल है वो उसकी मर्जी, वो क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है क्या उसका कॉन्टैक्ट है क्या कॉन्टैक्ट नहीं है वो उनकी मर्जी है। आपके कहने से ना तो वीडियो बनाने बंद करेंगे और आपके कहने से ही नहीं वीडियो बनाएंगे, जिसके ऊपर जिसका मन होगा वो उसके ऊपर वीडियो बनाएगा। और आपने शायद ये और जो सा टॉपिक जो चलता है जो टॉपिक ट्रेंड में होता है लोग उसके ऊपर ही वीडियो बनाते हैं, जितने भी रिएक्शन चैनल होते हैं या पॉडकास्ट चैनल होते हैं वो उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाते हैं जो भी ट्रेंड में चलता है। अब दूसरी बात आती है
एक और है, मैं भूल गई उनका नाम, कन्फ्यूजन ऐसे कुछ करके है, वो बोलते हैं कि परी व्लॉग को गीता गुंडू ने सिखाया होगा कि बताया होगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाए, फिर ये बना या वो बना। तो मुझे समझ में एक ही बात नहीं आती, गीता गुन्नू से मेरी एज ज़्यादा होगी, कम तो नहीं होगी, ठीक है? तो गीता गुन्नू मुझे क्या सिखाएगी, मुझे ये बताओ। मैं दूध पीती बच्ची हूँ जो मुझे कोई सिखाए और मैं वो जो मुझे कोई बोले और मैं वो डाल दूंगी, मेरी खुद का दिमाग काम नहीं करता है क्या? मेरा खुद का दिमाग काम करता होगा तभी तो मैं आज यहाँ बैठी हूँ तुम लोगों के सामने। और किसी के कहने, आजकल तो दूध पीता बच्चा भी नहीं भेगता है, फिर मैं तो 31 साल की एक दो बच्चों की माँ हूँ, मैं कैसे भीग जाऊंगी ये बताओ। मुझे गीता गुन्नू को या कोई और भी कोई कुछ नहीं बताता है, जो मेरा मन करता है मैं वो डालती हूँ, मुझे अच्छे बुरे की सब समझ है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कहाँ गलत है कहाँ सही है, ठीक है? मुझे पूरी समझ रहती है, जब भी मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो डालती हूँ, मुझे सिखाने वाला ना तो कोई है ना कभी कोई होगा, ना मैं किसी की मानती हूँ, मैं सिर्फ अपनी सुनती हूँ, अपने मन की करती हूँ, और सेकंड अपने हस्बैंड की सुनती हूँ। जो कुछ मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड को सब पता होता है कि वो क्या डाल रही है क्या नहीं कर रही है, वो मेरी सारी वीडियो देखते हैं। अगर मैं कहीं गलत होती तो मेरे हस्बैंड, सबसे पहले मेरे हस्बैंड टोकते मुझे, ठीक है? अगर मेरे हस्बैंड या मेरे घर वाले नहीं टोक रहे हैं तो आप लोग कुछ नहीं होते हो बोलने वाले। और रही गीता गुन्नू की बात, तो गीता गुन्नू हाँ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और फ्रेंड के रिलेशन वहीं बनता है जहाँ पर कुछ सिमिलरिटी होती है, कुछ साथ में कुछ अच्छा लगता है, ठीक है? हम दोनों की फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। अगर हमें व्यूज के चक्कर में ये सब कुछ बटोरने होते तो अब तक हमने कितनी सारी वीडियो बना दी होती, मौली के ऊपर, विष्ट भागवती के ऊपर कितनी सारी वीडियो बना दी होती। और जो कुछ लोग ये बोलते हैं कि गुन्नू ने, गुन्नू सॉरी गीता गुन्नू जो है वो मौली का यूज कर दी है सिर्फ व्यूज के लिए, अपनी वीडियो चलवाने के लिए, तो मैं पूछ जाती हूँ गीता गुन्नू ने कितनी वीडियो डाली है मौली को लेकर? क्या गीता गुन्नू ने मौली को लेकर एक भी वीडियो डाली है? गीता तो मौली के पास रहती है, अब तो उसकी शादी होगी, पहले तो मौली के पास रहती थी, चाहती तो वो कितने कंटेंट ला सकती थी, कितनी वीडियो बना सकती थी कि ये मौली है, ये भागीरथी की बेटी है, ये ऐसा हुआ मौली तुम्हारे साथ, ये हुआ मौली, ये मौली वो करके कितनी वीडियो बना देती है, कितना चैनल उसका चलता, आप लोग भी जान सकते हो कि जिस टाइम पर इनका चैनल ट्रेंड में था, जिस टाइम पर इनकी वीडियो ट्रेंड में थी और मौली का हर जगह हर तरफ जिक्र हो रहा था, अगर ये चाहती तो, गीता चाहती तो मौली की कितनी वीडियो बना के डाल सकती थी, रोज अपने पास मौली को बिठाती, उससे क्वेश्चन पुटअप करती और डाल देती यूट्यूब पर। आप देखो कि गीता का चैनल कहाँ जाता आज, शायद इनसे भी आगे होता, लेकिन उसने यूज नहीं किया, उसने मौली को नहीं लाई कैमरे पर अपने साथ वीडियो में, एक भी वीडियो में अपने साथ कैमरे पर नहीं लाई है। क्यों नहीं लाई है? क्योंकि उसका इरादा इरादा ही नहीं था कि उसकी वजह से तुझे अपना चैनल चलाना है नहीं चलाना है। ये बात जैसा लोग होते हैं ना उनके दिमाग में वैसी ही बातें आती हैं, तो जैसी तुम लोगों की सोच है ना वैसी, जैसे तुम लोग हो वैसी ही तुम लोगों की सोच है। अगर ये सिर्फ जो कमेंट कर रहे हैं ना सिर्फ उनके लिए है वीडियो, बाकी कोई अपने ऊपर ना ले, तो जिसकी जैसी सोच होती है ना वो वैसी ही बोलता है, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकता बिल्कुल भी। अगर सच में मौली का यूज करना होता ना तो मौली का यूज कब तक कर लिया, अब तक कर लिया होता। गीता ने कितनी बार उसको सामने ला ला के वीडियो डलवा देती, उससे पूछती वीडियो बिठा के कि बेटा ऐसे हुआ तुम्हारे पापा के साथ, तुम्हारी मम्मी के साथ ऐसे हुआ, पब्लिक को बताओ, लेकिन उसने कभी नहीं किया। वो इसलिए नहीं करती है कि वो कहती है कि जो हो रहा है होने दो। कई बार हमने बोला भी है ना कि गीता बोलो यार, कोई तुम्हारे तुम्हें लेकर तुम्हारे परिवार को लेकर गलत बोल रहा है तो तुम क्यों चुप हो, तुम भी बोल सकती हो। तो उसने हर बार यही कहा है कि दीदी बोलने दो, एक दिन बोलेंगे दो दिन बोलेंगे कब तक बोलेंगे, एक ना एक दिन तो चुप हो जाएंगे अपने आप बस। और जो गलत होता है वही बार बार बोलता है, जब हम सही हैं तो हम बार बार अपनी सफाई क्यों दें, हमने एक बार अपनी सफाई दे दी है बस, हमें सफाई नहीं देनी है। चाहते तो मौली भी अपना चैनल बना सकती थी, मौली भी अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो डाल सकती थी इससे रिलेटेड, और मौली का चैनल भी चल जाता, पर मौली भी चुप है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एक बार बोलेंगे अगला दो बार बोलेगा, फिर ये बात रबड़ की तरह खिंचती चली जाएगी, इससे अच्छा है तो चुप रहो, चुप में ही फायदा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि बोलना किसी से नहीं आता, बोलना सबसे आता है, बोल हर कोई सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बात बोलकर ही बताई जाए, बहुत सी बातें चुप रहकर भी समझ में आती हैं।
और मैं भी यही मानती हूँ कि चुप रहने में ही फायदा है, क्योंकि हम बात को जितनी लंबी खींचेंगे ना, बात रबड़ की तरह उतनी लंबी खींची जाएगी, और लोग जो होते हैं ना वो सिर्फ मजे लेते हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ घरों की जब लड़ाइयाँ होती हैं ना तो लोग उसमें मजे लेते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि सपोर्टर भी नहीं है अगलों के, बस जाते हैं वीडियो पर मजे लेने के लिए कि आज ये हो रहा है उनके घर में, आज ये हो रहा है उनके घर में। और ऐसी ही कुछ आंटियाँ हैं जो होती है ना मोहल्ले की आंटियाँ, वो आंटियाँ हैं जो आती हैं फटाफट छुप छुप के परी व्लॉग के चैनल पे आती हैं, देखती हैं अच्छा आज क्या हो रहा है, आज क्या वीडियो बनाई, आज के कमेंट आ रहे हैं, फिर भागी भागी जाएंगी दूसरे चैनल पर, अच्छा आज परी व्लॉग ने इसके ऊपर वीडियो बना दी, आज परी व्लॉग ने ये कर दिया, आज परी व्लॉग के व्यूज आ गए इसकी वजह से, आज परी व्लॉग के व्यूज नहीं आए इसके से, ये काम है सिर्फ इनका, पूरा दिन का इसमें निकल जाता है, इधर आओ उधर जाओ। होते ना मोहल्ले में एक चुगली कर गई, फिर दूसरे घर गई उसके चुगली कर दी, तो वो वाला काम है इन मोहल्ले वाली आंटियों का, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा इन लोगों को कि ज़्यादा इंटरफेयर ना करें कि इसने ये वीडियो बनाई इसके इसमें व्यूज आ गए। अरे जिसका जो मन करेगा ना वो बनाएगा, और उसके उसमें व्यूज आए चाहे ना आए, तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है इस चीज़ की किसमें व्यूज आ रहे हैं किसमें व्यूज नहीं आ रहे हैं। उनकी मर्जी, वो कुछ भी बनाए, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे अलावा कोई और भी हो, कोई कुछ भी बनाए, इसमें क्या मतलब। अर्गिता गन्नू ने सिखा दिया परी व्लॉग को, परी व्लॉग दूध पीती बच्ची है क्या, उसको किसने सिखा दिया, फालतू की बात करते रहते हो। कुछ मतलब कॉमन सेंस है थोड़े भी अंदर, या सब खत्म हो गए, किसी से बात करने लग गए, किसी की फ्रेंडशिप हो गई, किसी की दोस्ती हो गई तो उसको सिखा दिया, ना सिखाना पता नहीं क्या हो गया, सिखाना ना हो गया, इतने अगर इतने सीखना होता तो पता नहीं क्या से क्या होते। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पे न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मैं बहुत सोचती हूँ कि लैंग्वेज ना यूज करूँ, बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज करती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को लगी रहती है कि नहीं हमें तो इसकी वही लैंग्वेज पसंद आती है, वही लैंग्वेज पसंद आती है तो सुनो फिर वही लैंग्वेज। आज तो बहुत कम यूज किया है, कल को ज़्यादा भी यूज कर सकती हूँ अगर बदतमीज बोलोगे तो। अगर इंसान तुम्हारे साथ इंसानियत से बात कर रहा है, अच्छे वे में बात कर रहा है, तो तुम भी सुनो कि वो अच्छे, तुम भी उसको अच्छे वे में ही जवाब दो, क्योंकि बोलना हर किसी से आता है। बहुत दिन सुनी थी कुसुम नेगी की बात, तो ये अरे जिसके चैनल पे जारी है, जिसकी सपोर्टर है, उसको सपोर्ट करना, उस चैनल उसकी उससे रिलेटेड कमेंट कर, क्यों दूसरों से रिलेटेड कमेंट कर रही है।